Assalamualaikum students, welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I'm going to teach you a poem layer from New Oxford Modern English class 4. Layer is a beautiful poem by William Henry Davies. As the title of the poem suggests, it is about the availability of time for relishing various delights of life. The poet is lamenting over the rushed and hurried manners of modern man. The modern man has no free time to enjoy the delights of nature. The poet feels that the life must be relished at any cost. Let's start reading. Layer Fursat. What is this life if full of care? What is this life, zindagi kya hogi, if agar full of care? Full of bhari hogi, care pareshaniyon se. Kya hogi ye zindagi agar ye pareshaniyon se bhari ho? We have no time to stand and stare. We have no time. हमारे पास वक्त नहीं to stand खड़े होने का and stare और देखने का. हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी ना हो. No time to stand beneath the books. No time to stand खड़े होने का वक्त नहीं beneath the books. Beneath नीचे, books शाखें झाड़ियाँ. Beneath the books शाखों के नीचे. वक्त ना हो शाखों के नीचे खड़े होने का. And stare देखना. And stare और देखने का as long as इतना ज़्यादा जितना sheep और cows भेड़े और गायें देखती हैं. और भेड़ों और गायों जितना वक्त देखने का. No time to see when woods be pass. No time to see देखने का वक्त नहीं. When जब woods जंगलों को कहते हैं दरख्तों को कहते हैं. Be pass हम गुजरते हैं. वक्त ना हो ये देखने का कि जिन दरख्तों के पास से हम गुजरे हैं. Where squirrels hide their nuts in grass. Where जहाँ squirrels गिलहरियाँ hide छिपाती हैं their nuts अपने अखरोट in grass घास में. जहाँ गिलहरियाँ घास में अपने अखरोट छिपाती हैं. No time to see in broad daylight. No time to see देखने का वक्त ना हो in broad daylight. Broad sparkling कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रोशनी. वक्त ना हो दिन की रोशनी में देखने का. Streams full of stars. Streams full of stars like skies at night. Streams नदियाँ full of stars सितारों से भरी. Like skies जैसे आसमान at night रात को. सितारों से भरी नदियाँ रात के आसमान जैसे. No time to turn at beauty's glance. No time वक्त नहीं to turn मुड़ने का या एक नज़र देखने का at beauty's glance. खूबसूरती को देखने का वक्त ना हो खूबसूरती को एक नज़र देखने का. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. एंड और वॉच हर फीट उसके पाँव को देखने का. हाउ दे कैन डांस जबकि वो कैसे नाचते हैं. और उसके पाँव देखने का कि वो कैसे नाचती है. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन. नो टाइम वक्त नहीं टू वेट इंतज़ार करने का
स्टिल उस वक्त तक हर माउथ कैन जबकि उसका मुंह वक्त ना हो इंतज़ार करने का उस वक्त तक जबकि उसका मुंह एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन एनरिच मुकम्मल कर दें दैट स्माइल हर आइज उसकी आंखों को मुस्कुराएं उसकी आंखें बिगेन शुरू कर दें इस मुस्कुराहट को मुकम्मल कर दें जो उसकी आंखों से शुरू हुई है A poor life, this is if full of care. A poor life, एक कमतर जिंदगी this is ये है if अगर full of care परेशानियों से भरी हो बहुत कमतर जिंदगी होगी अगर परेशानियों से भरी हो We have no time, हमारे पास वक्त नहीं to stand खड़े होने का and stare और देखने का हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी ना हो स्टूडेंट्स इस पोएम में विलियम हेनरी डेविस मॉडर्न मैन के बारे में बात करते हुए कहता है कि आज का जो आदमी है वो इतना मटीरियलिस्टिक हो चुका है कि उसके पास नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखने का भी वक्त नहीं है सारा दिन वो अपने ही कामों में बिजी रहता है और अपने इर्द गिर्द देखने के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं ना तो वो नेचुरल चीज़ों को देखता है ना वो काफ़ी देर के लिए दरख्तों के नीचे खड़ा होता है उसे नेचुरल चीज़ों के बारे में जानने के लिए कोई तजस्सुस ही नहीं है वो ये नहीं जानता कि खूबसूरत सी उसने एग्जांपल दी है कि गुलहरियाँ जो हैं वो एक मज़ेदार खेल खेलती हैं अपना खाना छुपाती हैं अपने फूल छुपा देती हैं कैसे और ये भी इंसान एक अट्रैक्ट नहीं होता इन चीज़ों को देखते हुए भी कि वो देखें हालांकि ये एक बहुत ही प्यारा व्यू है और मतलब अपने इर्द गिर्द वो देखें दरिया समंदर पहाड़ यानी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है तो पोइट जो है वो लैमेंट करता है इस बात पर कि अगर हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को हम नहीं देखेंगे अपनी ही परेशानियों में रहेंगे हमारी लाइफ बिल्कुल ही ज़्यादा बिजी होगी तो ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा कमतर जिंदगी होगी अच्छी नहीं होगी हमारे पास क्योंकि किस कहीं थोड़ी देर के लिए हम अपने काम पे जब निकले होते हैं तो थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ट्रीज ग्रास तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो हमारी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं है